अच्छा भाई, ऐसे 500 की दौड़ का वक्त आ चुका है। रजाक भाई आज अब आखिरी बार 500 की दौड़ खेलेंगे। ऐसी लीड ले लीजिएगा कि जीत ही ना पाए आप। मतलब कितनी भी ले लें, मतलब अब वो जीत रहे हैं ऑलरेडी। खवातीन और हजरात, 500 की दौड़ का मुकाबला मरियम और रजाक भाई के दरमियान ये आइकॉनिक मुकाबला चल रहा है। रजाक भाई इस वक्त लीड कर रहे हैं। ये दोनों मेंटोरिंग करते हैं उन दो मेहमानों की जो हमारे साथ ये 500 की दौड़ खेलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलीना और शाहजबान। मैं दोनों को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएं और हमें ज्वाइन करें। तालियां बजाइए इन दोनों के। आ जाओ भाई, आ जाओ, तालियां बजाते रहा करो जब तक यहां ना पहुंचे आप। इनको पहले बताया नहीं। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम अलीना, कैसी हैं? ठीक हैं। अरे वाह, दुआ लीपा, लीपा के लिए दुआ हो जाएगी। चलो शाहजमान, तुमने लिखता हो कि तुम्हारी उम्र 23 साल है, तुम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ लो। बाइक वाला क्या सीन है? मुझे तो बताया जा रहा है कोई बाइक का कोई सीन है, क्या सीन है बाइक का? उधर बताओ, उधर बताओ। वो यही सीन था कि ना वो बाइक से ना एक अंकल जा रहे थे, तो ना मैंने उन्हें कहा कि ना अंकल स्टैंड अपना उठा ले, जबकि स्टैंड लगा नहीं हुआ था, तो स्टैंड उठाने के चक्कर में बाइक से नीचे गिर गए। शक्ल से आप काफी मासूम लग रहे। बोलो बोलो बोलो। बहुत मासूम, और 23 साल के तो आप कहीं से नहीं लग रहे। ज्यादा क्या लग रहे? आप सही से देखें, यहाँ से लग रहे। देखो बेटा, यहाँ से देखो, ये 23 साल के कहीं से नहीं लग रहे। क्या मतलब हुआ? आप क्यों देख रहे हो इतना उनको कि आपको नहीं लग रहे? अलीना, ये गिलगित बल्तिस्तान का कोई ट्रिप था तुम्हारा, क्या था ये ट्रिप? जी एक्चुअली ये था कि वी वेंट टू गिलगित-बल्तिस्तान स्टोर फॉर 20 डेज, और हम वहाँ रहे, और आखिरी दिन जो था हमने कहीं जाना था, तो मेरी फैमिली ये कह रही थी कि मिनी मर्ग चलते हैं, और मैं कह रही थी दोस्त सही चलते हैं। हाँ। तो मिनी मर्ग उन्होंने प्लान किया, तो मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना, और मैं गुस्से में आ गई और मैंने उनके कपड़े सारे फाड़ दिए, और घर वालों के सारे कपड़े फाड़ दिए। जी जी, और मैंने डंप कर दिए किसी होटल के एरिया के अंदर, और फिर ये हुआ कि वो लोग चले गए, मुझे कमरे में लॉक करके चले गए। गए कैसे? गए अपने कपड़े पहन के जो उन्होंने पहने हुए थे। जो पहने वो फटे हुए नहीं थे? नहीं नहीं, वो फटे हुए जो सूटकेस में थे वो फाड़ दिए। जी जी। शाहजमान, तुम्हें क्यों लगता है कि ये कंपटीशन तुम्हें जीतना चाहिए? Because I am cute than her. You are cuter than her. Cuter than her. कहां से बेटा? कोई तो हिंट्स दो, हिंट्स दो, कौन सी ऐसा मुकाम है? अच्छा भाई, तुम क्यों जीतना चाहती हो? क्योंकि आज वुमेन्स डे और मैं इनसे ज्यादा क्यूट हूँ। वो कह रही हो तुमसे ज्यादा क्यूट है। भाई आवाम बता दे कौन क्यूट है, जिनका ख्याल है लड़का क्यूट है। बस बस बस, जिनका ख्याल है लड़की क्यूट है। शुक्रिया। ये क्या हो रहा है यार? अच्छा एक सेकंड, जिनका ख्याल है यासिर भाई क्यूट है उधाली में। मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगा। मैं कंपटीशन करूंगा। 60 सेकंड है आपके पास। मैं 60 सेकंड में आपसे क्विकली सवाल पूछूंगा, जो सबसे ज्यादा जवाब दे देगा वो कंपटीशन जीत जाएगा, और वो सिलेक्ट करेगा उनको किसके साथ बैठना है। बाय द वे मैं बता दूं, दोनों के फॉर्म्स में लिखा है कि दोनों रजाक भाई के साथ बैठना चाहते हैं। रजाक भाई, क्या है आप में ऐसा? वफादारी। वाह वाह वाह। कितनी देर की वफादारी होगी ये? मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? नहीं मरियम, 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट में बात करेंगे। सच्ची बात कड़वी लगती है। चीनी के साथ दिया करें, सच्ची बात। सुनो मेरी बात, 60 सेकंड तुमसे पहले मैं अलीना से शुरू करूं। ठीक है, अलीना से शुरू करें। अलीना, तुम्हें क्विकली जवाब देने। पहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? गांधी। गलत जवाब। चांद पे चलने वाले पहले शख्स का नाम? नेल्सन मंडेला, नील आर्मस्ट्रांग, ग्राहम बेल। नेल्सन मंडेला। वेरी गुड, गलत जवाब। लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ? नील या नाइल, रिवर नाइल या यूफ्रेटिस? रिवर नाइल। वेरी गुड, करेक्ट जवाब। यूएसए का नेशनल गेम क्या है? सॉकर। गलत जवाब। नेम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका, इंडिया, चाइना? यूएसए। गलत जवाब। कीबोर्ड में अंडू का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस आर? कंट्रोल प्लस जी। वेरी गुड, सही जवाब। अच्छा इसी में था, अमेरिका का कैपिटल क्या है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी या ह्यूस्टन? वॉशिंगटन डीसी। राइट। जेलीफिश में कितने % पानी होता है? 75, 85, 95? 95। राइट आंसर। देख रही हूँ, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 9, 10? 8। वेरी गुड, राइट आंसर। 8 सेकंड बचे। व्हाट इज द 15th लेटर इन द अल्फाबेट, एम, एन और ओ? रिपीट कर दीजिएगा। 15th लेटर अल्फाबेट में कौन सा है? टाइम अप, छोड़ो। आ जाओ, तुम्हारा कितने सवाल सही दिए इसने? 5 सवालों के सही जवाब दिए। स्टार्ट करें। विंसेंट वैन गॉग का पेशा क्या था? लीडर, पेंटर, साइंटिस्ट? पेंटर। पेंटर, वेरी गुड। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने। वेरी गुड। सबसे ज्यादा मुल्क कौन से बड़े आजम है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका?
यूरोप। गलत जवाब। दुनिया का सबसे ऊंची इमारत का नाम क्या है? बुर्ज खलीफा। तुम्हें तो याद होगा। रेनबो में रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? रेड। सही जवाब। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज अप्रूव्ड इन विच ईयर? 1952, 53 या 54? 53। गलत जवाब। मुर्गे के अंडे से चूजा निकलने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन दे दे। 20, 21, 22? 20। तुम्हें तो पता होगा कि गलत है। इनमें से कौन सा जानवर हंस सकता है? डॉग, रैट या वेल? डॉग। गलत जवाब। ओलंपिक फ्लैग पे डॉग भी हंस सकता है। आई हैव अ प्रूफ। हंस के दिखाओ। तो क्यों बोल रहे हो बीच में? ओलंपिक फ्लैग पे कितने रिंग्स होते हैं? ऑप्शन। अब बेटा 4, 5, 6, 4। गलत जवाब। तुम्हें उनका टाइम। ताजमहल किस मुल्क में है? इंडिया। गलत जवाब नहीं है, सही जवाब। वेरी वेल प्लेड। तालियां। कितने जवाब दिए इसने लड़की के? हाँ बेटा, इनके 4 ठीक है, आपके 5। किसके जवाब कौन सेलेक्ट करेगा? मेरे 4। लड़की खातून आप अलीना तुम डिसाइड करोगी, मरियम के साथ या रजाक भाई? वो कर चुकी है। सर अब्दुल रजाक के साथ। सर अब्दुल रजाक के साथ पहुंचेंगी अलीना। बेटा मेरी हमदर्दी आपके साथ है। खुशी रहेगी अलीना। हाँ मरियम के साथ जाएंगे, समझती कुत्ते हंसते। वेलकम वाजिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक जी। और मरियम अगर कहे ना, मरियम स्टैंड उठा लो, मत उठा लो। क्या खेले गए 500 की दौड़ अलीना और शाहजवान। पहला सवाल जो है परसेंटेज बेस्ड, हमने सर्वे कराए उसकी बेस पे सवाल बने। पहला सवाल, कितने फीसद लोग, ध्यान दो गेम में, कितने फीसद लोग समझते हैं कि अगर हाथ में खारिश हो तो मतलब पैसा आने वाला है? 100%। आपके खारिश होती है यासिर भाई? आपको ऐसा पैसा आता है? अगर होती है तो पैसा मतलब सोच में यही होता है क्या आएगा? सोच राइट वाले। रजाक भाई आप कभी हाथ खुजाए आपने? होता है ये। आता है पैसा? जी क्या सुपरस्टिशन है? नहीं नहीं आ जाते। अलीना आपको लगता है आपने सुना है ये कभी, हाथ खुजाने से पैसा आता है? सुना है मैंने। कभी इस चक्कर में हाथ खुजाए होंगे पैसा आ जाए? नहीं नहीं। हाँ बेटा हाँ सुना है सर मैंने। क्या हाथ खुजाने से पैसा? हाँ पैसा आता है। तो बेटा बहुत हाथ खुजाने से पैसा आता है, सर खुजाने से क्या आता होगा? जुए। वाह, यू वुड नो। अच्छा ये बताओ कि मरियम क्या परसेंटेज दो? नहीं पहले रजी भाई से। पहले ये, पहले मैं क्या करूं? अरे दो ही सवाल होते हैं यार, बता दो एक एक करके बहस के। मैं बताऊं यार, ये हमेशा हमारे इर्द गिर्द आप छोड़ दो, जाते नहीं, जाते नहीं, चीज को बेटा रोकते नहीं है। 35? नहीं नहीं ज्यादा होगा। बताओ बताओ। 75। बेटा तुम पूरा रोस्टम पे ऐसे कब्जा करके बैठ गए जैसे मरियम एग्जिस्ट ही नहीं करती। 80 पे जाओ। 80। हां बताओ। 75% लोग बेटा एग्री करते हो या तुम्हारे दिल में कुछ और है? उनके दिल में 35 है। 40% पे लॉक कीजिए। मतलब हेलो, इसकी मर्जी है ना, वो सुने नहीं सुने यार। 40% पे लॉक कीजिए लड़के को। हाँ भाई अलीना, what do you think? 60% पे लॉक कीजिएगा अलीना को। देखते हैं आवाम की क्या राय है। दिखाओ भाई आवाम की राय, दिखाओ जल्दी से। 55% अलीना, well played। इन्हें बताया। क्या देख क्या रहे हो? अच्छा खासा कह रहा था, अच्छा खासा जितवा रहा था। Excuse me? जी he said 35. 40% का। So और उससे पहले 75 कह रहा था। 75 मैं कह रही हूँ। अगला सवाल इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। कितने फीसद लोग, वाह, कितने फीसद लोग कमीज के नीचे बनियान नहीं पहनते? जैसे भाई कमीज पहनते हैं? मैं नहीं पहनता। आप बनियान नहीं पहनते? नहीं। कमीज पहनते हैं लेकिन? जी ठीक है। हाँ भाई रजी भाई, कमीज के नीचे बनियान आप नहीं पहनते? नेवर का क्या मतलब हुआ? बॉडी बिल्डिंग जरूरी होता है ना जरा। वाह बनियान ना पहनी। वाह वाह वाह। हाँ भाई पहनते हो? कितने फीसद लोग अलीना आपको लगता है बनियान नहीं पहनते होंगे? ठहर जी पहले ये बताएगी ना। नहीं नहीं आप, हाँ इन्होंने पहले बता दिया था ना। बाप बताए ज्यादा होशियारियां ना क्या करें? जाता हुआ शख्स जाते हुए शख्स मेहमान है। मेहमान 30% रजी भाई 30% 30% पे लॉक कीजिए रजाक भाई को। खुश हो बेटा? नहीं बताओ अब। तुम अच्छा करो, तुम अकेला अच्छा करो। बताओ 25। 25% तुम पहनते नहीं हो? पहनता हूँ। तुम पहनते हो? मैं भी पहनता हूँ। ये दो नहीं पहनते तो 50% तो यही हो गया बेटा। नहीं नहीं ये जरूरी नहीं है। कितने लोग बनियान पहन कर आए दिखाएं, तालियां बजाएं। आवाम का फैसला दिखाइए, कितने लोग बनियान पहने बैठ के ये शो देख रहे हैं? 20%। वेल प्लेड, वेल प्लेड। मेरा तो टाइम ही गलत चल रहा है जब चली भाई आए मेरी जगह। रजी भाई जाने से पहले आपके लिए एक और कंपाइलेशन बनाइए, दिखाएं मैं रजी भाई की कंपाइलेशन। आपने तापस भाई देखा होगा डेंटोनिक का एड? जी जी मैंने देखा। उतना वो फेमस ही ना जितना वो हंसने वाला हुआ था। ही हाला। तो ये भी हमारी वही
दस बार इसको दी है तो पांच बार मुझे। We have it on record. You got it way more than I did. सर आपने देखा होगा कि जो बंदरी होती है ना सर पे चढ़ी तो ऐसी होती है। I like to do negative roles. उनमें graph ज़्यादा होता है। Margin acting margin ज़्यादा होता है। इस show में भी यही। अभी कोई late सी बात करने वाले रजी भाई आगे बढ़ते हैं। जो producer या director होते हैं ना वो देख लेते हैं ये कैसा role कर सकते हैं। जी भी। Run out. Out है। थोड़ी हालत माफ की रजी भाई की। रजाक भाई अपने सारे fans को एक बार heart react करके दिखा। सारे। ये इस तरह का दिल मैंने कभी नहीं देखा। रजा भाई के लिए तालियां होनी चाहिए। चलो 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 बजर राउंड आगे बजर राउंड आगे सब तमीज से खड़े हो जाएं। दबाएं दबाएं बजर दबाएं। बहुत मुश्किल सवाल आते हैं बेटा। इसमें बजर। Which city is known as California of Pakistan? साहिवाल, सरगोधा, स्कर्दू या सवाबी? रजी भाई। पहली दफा सुन रही हूँ मैं ये बात। स्कर्दू। गलत जवाब। सरगोधा। सरगोधा इज द राइट आंसर। अपना ही है ये तो। जितनी जनरल नॉलेज यासिर भाई की है किसी की नहीं। अगला सवाल सब रेडी है बजरों पे उंगलियां। पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको मिला? मैंने दबाया पहले। सबसे पहले यासिर भाई आपने बजाया। मलाला यूसुफ़ भाई। नहीं नहीं गलत। अब्दुल कदीर। किसको? अब्दुल कदीर। वेरी गलत। आंसर दिखाओ एक मिनट। दिखाओ पे सवाल दिखाओ। जब खत्म हो गया ना अब दो तो हो सकता तुम बजाए से मुंह पे रखा हुआ है। एक मिनट दिखाओ मरियम। अब तो मैं बता देता हूं। क्या बात? अब्दुल सलाम। डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर अब्दुल सलाम। मलाला यूसुफ़ज़ई। अब्दुल सलाम। इसने बताया जो भी है। वेरी गुड राइट आंसर। ताली। इसने बताया। अच्छा मरियम अगर तुम खुदा की कसम बेटा मैं सवाल पूछ रहा हूं अगर तुम ये बता दोगी कि तुम नहीं बताना क्यों मिला है किस चीज किस फील्ड में मिला है मैं तुम्हें 25 नंबर दूंगा। मेडिसिन में। मेडिसिन पे। बहुत गलत। फिजिक्स। अच्छा फिजिक्स ठीक है तो मतलब अगला सवाल द लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम सिंगापुर टू न्यूयॉर्क सिटी स्केड्यूल्ड एट 19 आवर्स 18 घंटे 50 मिनट 17 घंटे 40 मिनट या 13 घंटे 30 मिनट 17 घंटे। गलत जवाब। 18 घंटे 50 मिनट राइट आंसर। कसम से नहीं तो पता जनरल नॉलेज का एक अजीम शाहकार यासिर शाह। अगला सवाल ट्रू और फॉल्स जापान इज द मोस्ट विजिटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। फॉल्स। फॉल्स। कौन सी है रजी भाई कौन सी हो सकती है गलत है आपका जवाब ठीक है। थैंक यू। कौन सी होगी? स्विट्जरलैंड। कौन सी होगी? यूएस होगा। नहीं स्विट्जरलैंड। फ्रांस। रियली? हां मैं जीत गया ना। ये जीत गया ना आप जीत गए। थैंक यू। अगला सवाल बेटा तुम लोग को अलीना नहीं इन्होंने ट्रू कहा था जीते कैसे? इन्होंने फॉल्स कहा था। He said true. नहीं नहीं फॉल्स नहीं नहीं क्या कहा था यार फॉल्स। बजर पे जा दिया करें आंसर। अगला सवाल सुनो। नहीं वो जब ये झूठ बोलेगी ना ऐसा ही होगा। हाँ नंबर कट जाएंगे। अगला सवाल सहारा डेजर्ट में आज तक बर्फ नहीं गिरी ट्रू या फॉल्स? गिरी है। कब गिरी है? वो नहीं पता। ट्रू या फॉल्स? ट्रू गिरी है। जवाब सही दिया। अगला खाका पहचानना है किसका है पहला खाका देखेंगे बजेंगे खाका दिखाइए। अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक इज द राइट आंसर। ये कैच छोड़ते हुए की तस्वीर। पकड़ा हुआ है पकड़ा हुआ है। ठीक है पानी पीना मरियम पी लो पड़ा सामने पी लो नहीं पीना। अगला सवाल फिर से खाका है पहचानना है किसका है दिखाइए। हाँ जी ये मिसबा भाई लग रहे और ये साइड वाले शाहिद भाई लग रहे हैं। मिसबा शाहिद आफरीदी इज द राइट आंसर। अब नहीं कोई बोलेगा मुखबरी हुई है। मैं बस हैरान खड़ा हूं ये तो किसी ये तो खुद को पहचान नहीं पाएंगे। मिसबा मैंने उसमें लग रहा था बहुत कुछ हो रहा है जो मैं बता नहीं पा रहा। मैंने जगह भी बताई कि ये वाला अब कैसे पता है तो मुझे कैसे आपने इस हालत में देखा हुआ? यस किया मैंने। तुक्का लगा है तो ज्यादा नहीं अच्छा, हो रहे अच्छा अब आपने बताना है दोनों ने सबने तीनों ने देख के ये कौन है दिखाइए। मरियम। हिना रब्बानी खैर। हिना रब्बानी खैर इज द राइट आंसर। ये पता था आपको? जी। अच्छा क्या थी ये पाकिस्तान में क्या करती थी ये? मैं बता ये पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन में क्या कौन से मिनिस्ट्री थी इनके पास ये मुझे नहीं पता। फॉरेन मिनिस्ट्री तो नहीं थी। फॉरेन मिनिस्ट्री थी। वेरी वेल ये भी 25 नंबर देना इसके नहीं।
अगला सवाल वैसे हम गलत बता, आवाज सुननी है, बल्कि आपने जवाब देना है बजर पे, बहुत आसान सवाल है इसलिए बजर पे जल्दी। शेर कैसे आवाज निकालता है? आवाज कैसे निकालता है? हाँ बताओ तुम। मैं कैसे गलत जवाब भाई मुंह से निकाल दो। चलो खत्म हो गए, खत्म हो गए, कैंसल। अगला सवाल और ये बहुत आसान सवाल है, बजरों पे आ। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है? ऑप्शन दो। मैं तो लेना भी नहीं चाहती। बताओ। हाँ जिसने बजाया वो प्लीज बता दो बेटा, बता दो करंट चीफ ऑफ आर्मी, ये बुरा लगेगा उनको। नहीं मैं नहीं बता रही, थोड़ा मुश्किल। तुक्का मार दो, तुक्का मार दो। ऐसे आता है ऐसे, तुम छोड़ दो, तुक्का मार कुछ कह दो बेटा, ये नहीं करो, बुरा लग रहा है। हाँ बेटा तुम्हारा तुम्हारा आता है सेकंड बजर, तुम्हें करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। एक मिनट मैं गूगल कर लूं। आसिम महमूद। गलत वो कह रही है कि मैंने आसिम महमूद कहा, तकरीबन ठीक कहा। मैं इस चीज पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, पहले मैं स्कोर बता दूं ताकि यासिर भाई उसके बेसिस पे आप डिसाइड करें। मरियम नफीस 270 नंबर लेकर अभी तक आगे हैं और रजाक भाई ने आज 245 स्कोर किया है। किसको देना चाहेंगे अपने 120 नंबर? मरियम को देना चाहेंगे अपने 120 नंबर। तो फिर दिखाओ भाई आज का विनर कौन है, दिखाओ कौन है विनर आज का। मरियम नफीस विद 330 नंबर, देख रही हो मरियम, देख रही हो आप रजाक भाई। अच्छा इसका मतलब यह है कि शाहजमान को मिले 2 VIP पासेस PSL के मैचेस के, मुबारक हो, लेकर जाना किसी को अच्छा सा।